हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है। जहां एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी एक उम्मीद को हार चुके थे, वहीं अब उम्मीद की एक नई किरण सामने निकल के आई है। माननीय श्री रामेश्वर तेली जी के बयान के लिए और 16 तारीख को जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक जूम मीटिंग हुई थी, उस जूम मीटिंग में जो फैसला लिया गया है, उस फैसले से ये समझ में आया है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीय समन्वयक माननीय भटनागर जी हैं, उनके एक मैसेज के माध्यम से यह प्राप्त जानकारी के हिसाब से पता चला है कि 29 तारीख को 29 अगस्त को स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और साथ ही साथ में बहुत सारे जितने भी संगठन हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाना चाहते हैं, और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को बुला के उनके साथ में मीटिंग करना चाहते हैं। फेस टू फेस मीटिंग के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की बात करने वाले हैं। तो ये एक मैसेज जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल के सामने आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो पार्ट में ये वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं पहले एक पार्ट को समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए 29 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में अगर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा जाते हैं तो मुख्यतः किस बात को वहां पे रखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक ने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो एक बड़ा रास्ता, एक बड़ी जर्नी और एक संघर्ष तय किया था, उस संघर्ष की बात होगी। दूसरे नंबर पे पेंशन फार्मूले की भी बात हो सकती है, और तीसरे नंबर पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की बात को लेकर साथ साथ में जो प्रमुख चार सूत्री मांगे हैं, उन चार सूत्री मांगों पर भी बात कर सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात। दूसरा चरण में जो बात हो सकती है, तो वो बात हो सकती है माननीय श्री रामेश्वर तेली जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो अपने एक स्टेटमेंट दिया था, उस पर बातें हो सकती हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रामेश्वर तेली जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हुए उन्हें पेंशन में वृद्धि करने का एक बात कहा था, जिस बात को लेकर जूम मीटिंग में चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं के दरमियान एक बात को बहुत ही गहनता के साथ में रखा गया कि वो ये भी बोला जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, वो सरकार के द्वारा वो चीज़ उनसे बुलवाया गया। अब क्या जानकारी है, पूरी की बुजुर्ग जानकारी जो तो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। माननीय रामेश्वर तेली जी के माध्यम से जो कुछ कहा गया उसको दूसरे वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे। मुख्यतः ईपीएस 95 पेंशन धारकों की खुशखबरी से भरा हुआ ये मैसेज है, पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि खुशखबरी भरा संदेश है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक नई अपडेट, नई रोशनी, नई किरण, नई ऊर्जा। और ईपीएस 95 पेंशन धारक जो पूरी तरीके से हिम्मत हार चुके थे, जिनको पूरी तरह से निराश हो चुके थे, उनके लिए एक आशा की किरण नजर आई, क्योंकि 29 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी